स्टार्ट। उसके बाद हम डीएम किए, वो देख भी नहीं किया आज तक, वो देखा ही नहीं, उसकी औकात ही नहीं हुई। मतलब हम तो कभी दलित वर्ड यूज ही नहीं करते हैं। जो भी हिंदू दलित बहन बेटी हमारी होती है, हमारी बहनें होती हैं, उन जिनको जिनके साथ दुष्कर्म किया जाता है मुसलमानों के द्वारा, हम 3-4 केस उसको भेजे, उस बड़वे को, कि अब आवाज उठा मादरचोद अपने बाप के अगेंस्ट, नहीं देखा भाई। तो वही बात है, अब ये लोग भी क्या करते हैं, कुछ जो जो थोड़े पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे बोलते हैं, थोड़े स्मार्ट, जो 4 जूता पहले खा चुके हैं, वो स्मार्टली बोलते हैं, अब सनातन को स्मार्टली अटैक करते हैं। रैंडम भाई, ये बंदा जो है ना, लालन टॉप न्यूज में भी काम कर चुका है। ये बंदा बहुत कुछ कर चुका है न्यूज में भी। अच्छा, लालन देखे टॉप भाई वीडियो ऐसे, एक बार और नहीं देखे मेरा वो कर लेना, मेरा डीएम एक बार सीन कर लेना। इसका ढूंढना पड़ेगा, उसके तहत वो करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब ललन टॉप में समझो ना भाई, जो न्यूज मीडिया में काम किया वो स्मार्टली ही करेगा, ताकि उस पर केस ना बने। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो ऐसे कर देते हैं, हिंदू गॉड्स को गाली दे दिए, चाहे कुछ कर दिए। जो मीडिया पोर्टल में काम किए हुए हैं वो थोड़ा स्मार्टली वो चीज़ टारगेट करेंगे। और ऊपर से लेफ्ट की सरकार है भाई, जितना हो रहा है एंटी हिंदूज को अरेस्ट उतना ही काफी है। ये भी है, बहुत चीजें हैं भाई जो हम नहीं बोलते हैं। मेरा फोटोज वायरल किया जा रहा है, मेरा नंबर वायरल किया जा रहा है। अब मुझे मुल्लों के, अब दिक्कत क्या है, बात समझो क्या होता है, कि मुल्ले को, मुल्लों के मुझे मैसेज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी गांड में दम ही नहीं है मुझे मैसेज करने का। ठीक है, मुझे मैसेज आ रहे हैं हिंदू के, और वो भी ऐसे दिन के 100-200 मैसेज। भाई नंबर लिखोगे, अब हम इरिटेट हो, अरे भाई बस कर दो, छोड़ दो, पता है, रहने दो, पुराना नंबर है मेरे पास, नहीं है नंबर, व्हाट्सएप है, बस मत करो स्पैम। मुल्ले लोग, मतलब तुम ये चीज समझो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, जिनको लगता है कि सब कुछ हलवा है भाई, रैंडम से ना ट्वीट कर देता है, रैंडम से ना ये कर देता है, बस हवा में चल रहा है बात। तुम एक चीज समझो, हम लोग किसके अगेंस्ट है, मैं स्पेशली किसके अगेंस्ट हूँ, तुम क्या, तुमने कभी भी मुझे मुस्लिम्स के अगेंस्ट ट्वीट करते देखा? नहीं देखा भाई, मेरा फंडा ही अलग है, हम सिर्फ अपने धर्म के लिए काम करेंगे, हम दूसरे गण मराए बहन चोद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो वही कर रहे हैं जो उनके किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, वो अपना मजहब का पालन कर रहे हैं, और वो अपने जगह एकदम सही है अपने मजहब के लिए। अगर तुम मेरे पॉइंट को समझोगे तो तुम समझ में आएगा, नहीं तो तुमको लगेगा कि हम मुल्लों को तारीफ कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि उनका जो मजहब सिखा रहा है वो अपना काम कर रहे हैं, तुम्हारा जो धर्म सिखाता है तुम अपना काम करो, सीधी बात, तुम दूसरे को अटैक करने के बदले अपने आप को सही करो, स्ट्रेंथन करो। तो तुम ये चीज बताओ, मेरे इतने दुश्मन हैं, हजारों लाखों में मुसलमान दुश्मन है, क्यों दुश्मन है भाई? मेरा बस गलती ये है कि हम उन अधर्मियों को अरेस्ट करवाते हैं जो हिंदू गॉड्स को गाली दे रहे हैं। अब जतिन लालावत कौन था? हिंदू ही था ना भाई, भीमटा भी नहीं था, वो तो SC ST भी नहीं था, SC ST रैंडम से नाम है, SC ST नहीं है, भरे पड़े हैं भाई, 30-40% SC ST हिंदूज हैं, प्राउड हिंदू हैं सब। तो भाई ऐसा नहीं, हम उनके अगेंस्ट हैं सीधा, जो हमारे भगवान के अगेंस्ट है, हमारे धर्म के अगेंस्ट है, चाहे वो जतिन ललावत जैसा डिंक मीमर हो, चाहे वो कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो तुम सोचो इनके मन में कितना जहर भरा हुआ है कि हम उनको अरेस्ट करवा रहे हैं जो हिंदू गॉड्स को गाली दे रहे हैं, तब भी रैंडम सेना के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। मैं फेस रिवील क्यों नहीं करता? तुम लोग को पता नहीं है भाई, मेरा जो मेन फेस था ना पहले, फर्स्ट वाले, उसमें लोगों को समझ में आता था, वो जानते थे कि कितना थ्रेट है भाई। अगर हम फेस रिवील करेंगे ना, मेरे पास बैकअप नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पेड प्रमोशन पे 10 लाख रुपए नहीं आते हैं, ठीक है, मेरे पास कोई पावर भी नहीं है, हम बीजेपी का कोई तारीफ भी नहीं करते हैं जो बीजेपी वाले हमको सपोर्ट कर दे नूपुर शर्मा की तरह, तो हम एक बार फोटो रिवील करेंगे, इनके पास पॉइंट, मतलब बिना मतलब का ये लोग अटैक कर देंगे, समझ रहे हो तुम? ऐसा चीज होता है। तो पहले अपना टीम बनाना है, उसके बाद कुछ करना है, यही सब है भाई, यही सब रीजन है कि फेस रिवील नहीं कर सकते। बताओ एक एक करके बोलेंगे इसको, लेकिन मतलब डीएम में रोक कर लीजिएगा, इसको कुछ करना ही पड़ेगा। अरे देख लेंगे, अरे मैं ये बोल रहा था, तब हम जब रेड मार सारे केस है भाई, बहुत सारे केस है, 500,000 केसेस हैं, जो जितना कैपेबल हो पाते हैं उतना करते हैं भाई, इट्स नॉट दैट इजी। पहले जब केस संज्ञान में आता है उसको 3-4 दिन 5 दिन, बहुत सारा ऐसा केस है भाई, एक डिंक मेंबर था, मुल्ला था, उसका नंबर वायरल कर दिया, वो उसकी गांड फट गई, वो डिलीट विलीट करके भाग गया, आज हम उसको कॉल किए, मेरी टीम पहले कॉल की, फोन नहीं उठाया, फिर हम मैसेज किए, अस्सलाम वालेकुम भाईजान कैसे हो, अभिषेक सिंह बात कर रहे हैं, उसकी मूत निकल गई, अब वो कॉल करके बोला भैया भैया मेरा नहीं है, मेरा नहीं है,
वो एक हिंदू डरपोक हिंदू को बोल दिया, उसका सहारा ले लिया और बोला कि भैया ये मेरा जानबूझ के नंबर वायरल किया था, हम दूसरे आयान हैं, हम वो वाले आयान नहीं हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है भाई। और अब क्या होता है, केस मेरे संज्ञान में आ गया, अब उसमें जाके क्या करते हैं मेरे फॉलोअर्स, अरे अब तो तेरी मात चुत गई भाई, अब तो रैंडम से ना तेरी मात चुत देगी, अब बहन चुत, अब उसकी गांठ फट जाती है, अब वो सारा चीज सबूत मिटा के निकल लेता है। अब इनके पास क्या होता है, दो तीन जगह होता है, दूसरे स्टेट भाग जाएंगे, हम अगर यूपी में केस करेंगे तो यूपी से भाग जाएगा बिहार में, तो वो फिर हो नहीं पाता है, पुलिस टीम दूसरे स्टेट में नहीं जाती, इंटर स्टेट वाले केस में बहुत सारा बहुत डिफरेंट चीज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात भी भाई, क्या क्या चीज को सही करे। ये गाली वाली बात से एक बात याद है, मैं 12th क्लास में था, आप रेड मारते थे, हम जाते थे, आप तो स्मार्टली कमेंट कर देते थे, ओ हम जाके फुल गाली गलौच और ये सब बकचोदी। तो एक बंदा था हमारे ही स्कूल का, मतलब मुस्लिम था, उसने मेरा कमेंट वगैरह देख लिया, ओ भाई उसने 4-5 बंदे बुला लिए, और पता क्या कर रहा, पहले तो फेक अकाउंट से मेरे को गालियाँ दे रहा खुल के और धमकी दे रहा। तो मैं समझ गया था उसी टाइम पे कि भाई जो भी करना है ना फेक अकाउंट से कर लो, रियल अकाउंट से तो कटा जाओगे। अनिल तिवारी भाई आए, अनिल तिवारी भाई को राम राम, अल जजीरा के ये वो है, अब ये ट्वीट करेंगे हेट मॉन्गर रैंडम सेना एक्सपोज्ड। भाई का यही काम है, मेरे स्पेस में आते हैं, मेरा रिकॉर्डिंग डालते हैं, हेट मॉन्गर 3-4 वर्ड और डालते हैं और पुलिस को टैग करते हैं और चले जाते हैं। तिवारी भाई आप तो एक हिंदू हैं, ऊपर से आप ब्राह्मण है, आपको शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है आपको इस्लामिक टेररिज्म को सपोर्ट करते हुए? क्या ही बोले ऐसे ऐसे हिंदुओं को। भाई सबसे ज्यादा खतरा ऐसे हिंदुओं से है जो पैसों के लिए अपना जमीर बेच देते हैं, ऐसे हिंदुओं से है। मैंने इनको कुरान के कुछ आयात भेजे जिसमें नॉन मुस्लिम्स के लिए लिखा गया है, ये अपने बाप को टैग करने लगे, ये देखो इस्लामोफोबिक है। शर्म नहीं आती तिवारी भाई आपको? मैंने आपको हेट मॉन्गर बोल रहा था आपको। हाँ भाई को शर्म नहीं आती है, भाई को मैंने फैक्ट्स दिया, भाई अपने बाबूजी अपने नाजायज बाप जुबैर को और टीम साथ को टैग करने लगे। रैंडम भाई पता है आपको, पता है आपको फिर तो हेलो बेंगलोर पुलिस, हेलो बेंगलोर पुलिस को भी टैग करता होगा। नहीं नहीं ये नहीं, वो तो टीम साथ था, टीम साथ भाई को हम वो कर दिए भाई, म्यूट कर दिए, उनका कोई काम धंधा नहीं है, जब से ट्विटर पे वो हुआ है रिपोर्टिंग कम हो गया है, मतलब आईडी उड़ना बंद हो गया है, उसका धंधा ही खत्म हो गया, वो सबके पिछवाड़े में उंगली करता है कि हमको कोई बैक करे, हम उसके नाम पे रीच उठाए। तो तिवारी भाई भी ऐसे हैं। तिवारी भाई आपकी कोई, आप समझिए आप एक हिंदू हैं, ठीक है, पैसा के लिए अपना जमीर मत बेचिए प्लीज, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे कोई हेट नहीं है आपसे भाई, अपने धर्म के हो जाओ एटलीस्ट, आंखें खोल लो, सब कुछ पैसा नहीं होता है, इधर भी पैसा है अगर कमाना चाहो तो, बीजेपी वाले दे देंगे, नहीं बीजेपी वाले देंगे हिंदूज दे देंगे, हिंदूज के लिए काम करो, हिंदूज पे हो रहे अत्याचार के लिए काम करो, फंडिंग आएगी आपको अगर आप सही से काम करोगे तो, समझो कोई हेट नहीं है आपके लिए। आपको मैंने कुरान के कुछ आयात भेजे थे, कर दो उस पर केस, सारे सही आयात हैं जो नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं। आपने क्या किया, आपने अपने बाप को टैग कर दिया, उस बाप को टैग किया कि जब मेरे 20,000 फॉलोअर्स थे और मुझ पे मोहम्मद जुबैर ने अटैक किया था, मैंने उसकी गांड फाड़ दी थी, मेरे लोगों ने, मैंने नहीं फाड़ी मेरे लोगों ने, जब मेरे 20,000 फॉलोअर्स थे, किसको टैग कर रहे हैं आप भाई? आप एटलीस्ट हिंदू हैं भाई, थोड़ा तो आंखें खोलिए, पैसे के लिए क्या जमीर बेच दीजिएगा, इधर भी है, इधर आइए, घर वापसी करिए, क्या क्या होगा ये सब करके, ऊपर से हम सपोर्ट करेंगे, महादेव की कृपा से काफी लोग प्यार करते हैं हमसे, पता है। और भाई अनिल भाई हम बीजेपी को भी पेलते हैं, बीजेपी का टट्टे नहीं चाटते हैं हम, स्पाइन मेरा बस है, हम हिंदूज के लिए काम करते हैं, स्पाइनलेस बीजेपी ट्रेंड किए थे जब बंगाल में हिंदुओं की हत्या हो रही थी और बीजेपी वाले नपुंसकों की तरह वो कर रहे थे, तो हमारे लिए बस वो है, तो हमको बीजेपी का टट्टा मत समझिएगा, क्योंकि आप लोग तो हैं कांग्रेस और जैसे नॉन लेफ्ट लेफ्ट वालों के टट्टे हैं आप लोग, हम नहीं है भाई, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे लिए कोई भी काम करेगा, अगर एक एक अच्छा काम अरविंद केजरीवाल भी किया ना गलती से जो कि वो करेगा नहीं, तो उसको भी प्रेज जरूर कर देंगे हम, क्योंकि मुझे अपना फायदा देखना है,
मेरे धर्म का फायदा देखना है, दैट्स इट। हम सिर्फ अपने धर्म के सगे हैं और किसी के बाप के सगे नहीं है, सीधी बात है। रैंडम भाई, बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर आपका क्या कहना है? किसका? बागेश्वर धाम सरकार को तो सपोर्ट किया भाई, फुल सपोर्ट किया। उनका जो सरकार से मैं कल मिल गया, हमारे अलवर में वो था उनका सर, मतलब वो तो मतलब वो क्रिश्चियनों की मतलब बांध के रखे थे त्रिपुरा। इसीलिए भाई उसी वजह से सपोर्ट है वो। मतलब हमारे स्टेट में मतलब कुछ मतलब नीचे के जो गांव होते हैं ना, वहाँ पे मतलब कन्वर्ट कराया हिंदू, घर वापसी कराया, इसीलिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज में। अब वो उनका क्या है वो, उस पे मैं भाई ना भाई सॉरी टू से ना मैं बिलीव करता हूँ ना मैं उस चीज को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन फुल सपोर्ट बागेश्वर धाम सरकार को है, क्योंकि वो क्रिश्चियन मिशनरीज की मार रहे हैं, क्योंकि टिट फॉर टैट होना बहुत जरूरी है, पूरा बांध के रखे उनको। जिस चीज के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को करोड़ों अरबों की फंडिंग है, वो बंदा फ्री में कर रहा है, उल्टा रिवर्स पेल रहा है, तो उसके लिए फुल सपोर्ट है भाई। अटैक उन पे हुआ था तो हम ट्वीट भी किए थे, पोस्ट भी डाले थे, फुल सपोर्ट किए थे, जरूरी है ऐसे लोगों को। देखो भाई कोई भी दूध का धुला नहीं है, ना रैंडम से ना दूध का धुला है, ना इस्कॉन दूध का धुला है, ना बागेश्वर धाम सरकार दूध का धुला है, ना कोई भी। लेकिन अगर थोड़ा भी 1% भी कोई कर रहा है ना भाई हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए, तो भाई सपोर्ट करो, क्योंकि टांग खींचने वाले ऑलरेडी नॉन हिंदूज बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा हैं, तो तुम लोग एटलीस्ट समर्थन करो। ये चीज होता है, होना चाहिए। इस्कॉन में भी बहुत सारी चीजें हैं कि बिजनेस है, ये है, वो है, दिस डैट फलान दुकान, लेकिन भाई कोई दूध का दूल्हा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत मैं वही चीज है ना भाई, सच्ची बातें बोलता हूँ, कड़वी बातें बोलता हूँ। यहाँ पे मुझे डीएम्स आते हैं, भाई ये है ऐसे करो, इसको पेल दो, ऐसे भर दो, भाई मेरा नाम मत लेना प्लीज, मेरा नाम मत लेना भाई। तो आप समझ जाइए, ये हंसने की बात नहीं है, आप समझिए कि आप में कितना खौफ है सामने आने का। तो भाई एटलीस्ट ये लोग सामने से काम तो कर रहे हैं धर्म के लिए, हम तो कर रहे हैं, कोई कोई कर तो रहा है भाई, तो एटलीस्ट मॉक करने के बदले थोड़ा प्रेज कर दीजिए, क्योंकि नॉन हिंदूज हैं वो बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, आपको नहीं दिखता है। कमलेश तिवारी को क्यों मार दिया गया, कैसे मारा गया? वो लखनऊ वाला केस, कन्हैया लाल इज डिफरेंट थिंग। कन्हैया लाल में मेरा मुंह मत खुलवा भाई, कट्टर हिंदू शेरनी लोग एक्सपोज हो जाएंगे, छोड़ दो। क्या नाम है इनका, कमलेश जी को क्यों मारा गया? हिंदू बन के बेचारे हेल्प करने के लिए हिंदू बन के आया और मार दिया। कोई आज उनके बेटा को बच्चा को पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं। कहां है उनकी वाइफ? तो वही बात है भाई, ऐसे ही ऑलरेडी सब करते हैं। तो पहले भाई कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी पहले अटैक कर देता था, कुछ आईडी से लिए लोग मेरे पीछे पड़े थे, अब छोड़ दिया भाई, ठीक है भाई करने दो, तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोग नहीं समझते हो क्या हो रहा है क्या चल रहा है, हम छोड़ दिए वापस रिटेलिएट करना, करो भाई करना है करते हो। ऑलरेडी भाई बहुत गालियां पड़ती है मुल्लों से, क्रिश्चियन मिशनरीज से, राइसबैक से, सबसे भाई। अगर हिंदू होके भी आपको अगर उसका एक काम नहीं पसंद है, आप उसको इग्नोर कर दो। सदगुरु पे हम भी भाई, मेरे से भी गलती हुई है, सदगुरु पे हम भी अटैक किए थे कि भाई वो ये है, क्रिमिनल है, बिजनेस करता है, लौड़ा करता है, लसन करता है भाई, लेकिन वो किसी एक बड़े लेवल पे ना भाई इंटेलेक्चुअल हिंदूज को कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी के उसमें ला रहा है भाई। अब उसका क्या चार गलती है, हम उसको ही फोकस करें तो भैंचोद हम कौन से दूध के धुले हैं। तो वही बात है भाई कि जो भी मेरे नजर में जो भी कर रहा है फेम के लिए कर रहा है, हाँ भाई कर भाई, तेरे वजह से अगर लोगों तक, बच्चे लोगों तक पहुंच रहा है चीज, हम उसी में खुश हैं। अगर अनुराग दोबाल जो भी नाम है उसका कर रहा है भाई फेम के लिए, करने दो भाई, हम सपोर्ट करेंगे, ले ले भाई तू फेम रीच ले ले। हाँ लेकिन लेने के बाद अगर कोई बंदा बकचोदी करेगा भाई, एल्विश यादव को हम, मैंने सपोर्ट किया भाई, पूरा पेज समर्पित कर दिया, क्या उस बंदे ने रिवर्स कुछ किया? नहीं किया, एक गलती की, मैंने उसको बोला, इज्जत किया उसने अनफॉलो कर दिया, कौन करता है भाई, नहीं करता। तो हमने बोला, हमने रिक्वेस्ट किया, बोला भाई को, तो किया ना भाई, वो आदाब कौन करता है भाई, पैसा लेके सीन जब हो गया उसने सीन हटवा दिया, तो भाई रिस्पेक्ट किया ना सेंटिमेंट्स का। तो वही चीज है, अगर मान लो किसी को हम सपोर्ट कर देंगे इस चीज के लिए, बाद में वो बकचोदी करेगा अगर, तो हम पहले बोलेंगे, फिर नहीं मानेगा तो पेलेंगे भी, कोई कोई भी क्रिएटर हो, कि भाई तुमने, तब बोलेंगे कि भाई तुमने
फेम के लिए हिंदूज का सपोर्ट किया, सपोर्ट लिया, और अब तुम बकचोदी कर रहे हो, तब तुम करो, तब तुम फारो उसकी। यही यहाँ पे राइट विंग में जो जो है, राइट विंग वाले जो आवाज वो हो रहा है, आदित्य को बेचारे को ये नहीं होना। एक कमी है भाई राइटिंग वाले में कि सब एक दूसरे पे ही अटैक करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो भी थोड़ा थोड़ा भी कुछ करे धर्म के लिए, 1% भी करे, करने दो भाई। स्ट्रेटेजिक साइलेंस कर लो, चुप हो जाओ, नहीं कुछ बोल सकते हो, सपोर्ट नहीं कर सकते हो, चुप हो जाओ भाई, करने दो उसको। हाँ, फ्रॉड करे तो बोलो, तब एक्सपोज करना है करो, फ्रॉड नहीं करे तो भाई चुप रहो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत वीक हैं, बहुत ही ज्यादा वीक हैं। 3 बजे रात में बहुत ज्ञान हो गया, 2:30 बजे, और किसी किसी को आना है स्पीकर पे तो लेते हैं भाई लोग। रैंडम भैया, आपका मतलब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहा है इसराइल के अगेंस्ट, उसमें क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है भाई, सरकार को एक एक ही गांठ तोड़नी चाहिए थी, जो सरकार नहीं कर पा रही है। जब इंडियन गवर्नमेंट ने, जब तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ लिख दिया कि टेररिस्ट अटैक पे हम कंडम कर रहे हैं इंडिया, तो फिर इंडिया का कोई भी बंदा पैलेस्टीन को सपोर्ट करेगा तो उसकी जब तक मां नहीं चोदी जाए तब तक ये लोग नहीं मानेंगे। और अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही तो इसमें गवर्नमेंट की गलती है, सीधी बात। हम लोग के बोलने से क्या होता है, कब तक बोलते रहेंगे भाई? गवर्नमेंट एक्शन लो भाई, पावर है तुम्हारे पास, पावर का सही सदुपयोग सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अगर आपके पास पावर है आप उस चीज को यूज नहीं कर रहे तो आप चूतिया हैं, सीधी बात। पचास को अंदर कर दे, शांत हो जाएंगे ये लोग, नहीं होंगे तो धीरे धीरे ही होंगे। ये जो पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, 3-4 गो को यूएपीए में पेल दें, बैनचोद, सारी निकल जाएगी, सारा पैलेस्टीन समर्थक निकल जाएगा। कुछ लोग तो रील्स में खुले सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टीन को, दरियाओ पैलेस्टीन, वो तो क्या नाम है उसका, अदनान 07, अदनान उन लोग का, वो तो रेडिकल्स है भाई। और उन जैसे रेडिकल्स को दुख तब होता है जब अनिल तिवारी जैसे भाई सपोर्ट करते हैं हिंदू होके, हिंदू में भी ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण, ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करते हैं, जो शास्त्र का ज्ञान, कास्टिज्म हम नहीं फैला रहे हैं, हम भी भूमिहार ब्राह्मण ही है भाई, कास्टिज्म नहीं फैलाते। आज तक 3 साल में कभी कास्ट की बात नहीं की और स्टेट की बात नहीं की भाई, बहुत ट्रोल किया गया बिहारी बिहारी बोल के, लेकिन कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। लेकिन भाई हिंदू हो के, उसमें भी ब्राह्मण हो के, अगर आप उन कठमुल्लों को सपोर्ट करें जो जिन क्या बोले छोड़ो, तो दिक्कत होती है। डेंजरस ये अधर्मीज नहीं है जो रेडिकल्स हैं मुस्लिम्स, डेंजरस ऐसे हिंदूज हैं जो उनका समर्थन करते हैं, सीधी बात। अभी हेट मत फैलाओ, ये मत करो भाई, शर्म कर लो, पढ़े लिखे हो, एक बार पढ़ो उनका किताब, उसमें 10 गुना ज्यादा हेट है भाई नॉन मुस्लिम्स के लिए, प्रूफ दे दूंगा भाई, नहीं गलत साबित हो गया तो केस कर देना। ऐसे ही नहीं बैठा हूँ भाई, ऐसा ही नहीं बोलता हूँ, तो थोड़ा जमीर जगाओ भाई। पैसे के लिए अपनी माँ बहन को मत भेजो, अपना जमीर मत भेजो। इन लोगों से ज्यादा दिक्कत है मुझे, मैं अपने घर में पहले झांकता हूँ कि हमारे लोग कैसे हैं। अब अभी देखो क्या हुआ, अब समझो मैं तुम लोग को एक स्टोरी बताता हूँ, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। बिहार में जेडीयू का नाम नहीं, बिहार में एक स्लोगन आया था आज से 20-25-30 साल पहले, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ करो मतलब भूमियार, यूपी बिहार झारखंड में ब्राह्मण 2 कैटेगरी के हैं, भूमियार और ब्राह्मण। भूमियार वो हो गए जिनके पास जमीन होता है, ब्राह्मण वो हो गए जिनके पास शास्त्र का ज्ञान है। तो मैं भूमियार हूँ, ठीक है? तो भूरा बाल साफ करो मतलब भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला, इनको साफ करो मतलब खत्म, फिनिश देम, ठीक है? ये स्लोगन एक पॉलिटिकल पार्टी का स्लोगन था आज से 20-25 साल पहले, ठीक है? और उसके बाद राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार, लाला की माँ बहनों को, बहन बेटियों को सामूहिक बलात्कार करके, मार करके, काट के फेंक दिया जा रहा था। तब रणवीर सेना का गठन हुआ नक्सलियों के द्वारा। रणवीर सेना, आप लोग को कुछ, आप लोग में से 10 को भी नहीं पता होगा ये बात, रणवीर सेना का गठन हुआ जो भूमियार फ्रंट के थे,
भूमिहार थे, उसके बाद फिर उसमें उनमें राजपूत भाइयों को भी ऐड किया गया, और तब उन लोगों ने नक्सली का ऐसा सफाई शुरू किया कि नक्सली हथियार तो डाले ही, भीख मांगने लगे कि छोड़ दो, अब रुक जाओ, थम जाओ, ऐसा आतंक, मतलब ऐसा सेल्फ डिफेंस में मतलब रणवीर सेना ने ये हाल कर दिया था नक्सलियों का, ठीक है, बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, ठीक है। अब मैं ये चीज क्यों बताया तुम्हें, अभी एक स्टेटमेंट आया है आरजेडी के एक ब्राह्मण, उसका मैं नाम नहीं जानता हूँ कौन है वो, मोटा मोटा राजीव शुक्ला की क्या नाम है उसका, आई डोंट नो, मनोज झा, इज अ ब्राह्मण एंड ही अटैक्ड राजपूत, मतलब उन्होंने राजपूत पे अटैक किया है। अब क्या किया, अब देखो, अब आरजेडी वाले जिनका ये स्लोगन ही रहा, जिनके कुछ नेताओं का ये स्लोगन रहा कि बुरा बाल साफ करो, उसमें वो ब्राह्मण घुसा हुआ है, वही बिका हुआ हिंदू, वो ब्राह्मण हो सकता है क्या? वो फूट डालने के लिए ये चीज किया, स्टेटमेंट दिया। अब बहनचोद इधर से राजपूत वाले बकचोदी पेलना शुरू कर दिए कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, अब उधर इधर से ब्राह्मण वाले शुरू हो गए। तो भाई हम यही बोल रहे हैं कि अपना घर ही सबसे कमजोर है। एक कोई अभी क्या हुआ, ब्रह्मेश्वर सिंह क्या नाम है, ब्रिजेश्वर सिंह क्या नाम है इसका, एथलीट को सपोर्ट कर रहे थे, राजपूत वाले ब्रिजभूषण को सपोर्ट कर रहे थे, और दोनों कास्ट पेजेस